जल्दी आए, कोई उठेगा नहीं। यदि बरसात या बाढ़ भी आ जाए, भगवान को बोल देना तू तेरी कर, मैं मेरा जतन कर रहा हूं। खुला चैलेंज कर दो सांवरिया को, मैं मेरी गौ माता के लिए चाहे मेरे प्राण भी ले लेना, लेकिन तू जाने तेरा काम जाना। क्या फर्क पड़ेगा यदि बरसात में भीग भी जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? अरे लोग तो केदारनाथ में गए थे, पता आपको, वापिस घर नहीं लौटे। अपना भाई खड़ा -30 डिग्री बॉर्डर पर, 45 किलो की बंदूक लेके खड़े हैं बॉर्डर पर, उनके ऊपर फायरिंग होती है, गोलियां चलती है, बर्फ गिरता, फिर भी वो घर घर आया फौजी कदी नहीं चाहे तो बंदूक खाक में गाल घरा सके, लेकिन नहीं। इसलिए थोड़ा विश्वास रखे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि बरसात में भीगने से आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है तो उसका ट्रीटमेंट ओम ब्रिगेड फ्री में करवाएगा, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। आज यदि बारिश में भीग जाने से कोई शरीर में तकलीफ होती है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाना, वहां का बिल मुझे सेंड कर देना, मैं आपके गूगल पे करूंगा, जितना खर्चा आएगा। हाँ, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि बाढ़ भी आ जाए। तेजाजी महाराज तो हम ही लड़ाई, रात्रि 2 बजे गया, नांग ने मम्मी बारे बुलाया, मौत ने मुंडे लगाई, आप छांटी कौन बड़ी रवाना हो गया। धन्यवाद है, आगे से ध्यान रखना, एडी कोई जागरण में घर में छोड़ना। अब जाओ, भले जाने दो, इनको जाने दो, बहुत जरूरी काम, जाओ। या कोने को पैसों जो को उगा रही हूं, मारे टाबर की फीस भरनी है, नहीं जाओ, अरे जाऊ तो आटा मत फिरो, नहीं नहीं माने जगह नहीं करना, जाओ। ये रास्ता बिल्कुल खाली करो, आगे से रास्ता खाली करो, आ रही है कालका एक्सप्रेस, रास्ता खाली करें, बीच में गेट पर कोई नहीं रहे। हाँ निकलो, थारो गांव जाने, थारी गौशाला जाने, मैं तो 4 भजन गा टाइम पास कर सकूं। ये क्यों क्यों पगा पड़ रही हूं, क्यों 21-21, 20-20 हजार बढ़वा रही हूं? मैं चाहूंगी 2 घंटा मैं बोलूंगा तो आपके 12 महीने का पूजा पा हो जाएगा, 12 महीने आपको झोली फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके गांव के लिए बोल रहा हूं मैं, कोई इतना जतन नहीं करता साहब, कुण पसीनों करे। यहाँ के थोड़ा पैरों की हालत देख ले, दोनों पैरों की हालत देख लो आप, खड़ा हो जैसी नहीं है फिर भी खड़ा हो, मेरी गौ माता आपकी नहीं मेरी गौ माता के लिए खड़ा हूं, जब तक जीऊंगा एक एक सांस मेरी गौ माता के काम लगाऊंगा। बोलो गौ माता की। धन्यवाद, आपके लिए व्यवस्था है, चाय है, पानी है, यार प्रसाद आवे तो एक रात में भिजो, कहीं फर्क नहीं पड़े। थारकन आता को 10-10 हजार रुपया कोनी जो थे भिजो और घरे ले जाओ, वे तो दे दियो। कोई कहना है 2-2, 3-3 हजार कटी बटुए में गलियोड़ा। भाई साहब, 2 गौशालाओं का आजीवन ट्रस्टी और 2 गौशालाएं खुद चलाता हूं, जिसमें एक में 900 और एक में 850 गौ माता है। आज तक मैंने रसीद बुक नहीं छपाई, आज तक मेरी गौशालाओं की रसीद बुक नहीं छपाई, ना कभी ऐसे हाथ किया। गौ माता को बोल दिया मैं भूखा, जिस दिन तू भूखी मैं खाऊंगा उस दिन तुझे खिलाऊंगा, लेकिन मांगने कहीं नहीं जाऊंगा। कहाँ कौन देता है, कैसे लाता है, वो सब मेरे सांवरियों जाने। आपका आशीर्वाद है, बस जन्म से मैंने एक ही प्रण लिया है। 1.5 वर्ष की उम्र थी, माँ दुनिया छोड़ के चली गई, मैंने माँ नहीं देखी माँ क्या होती है, लेकिन पिताजी से मैंने सुना कि माँ कहाँ है, बोले माताजी भगवान के पास है, तो मुझे मेरी माँ मिलेगी। तो पिताजी उस दिन मुझे गौ माता के पास ले गए, मेरा बोले तेरा जीवन यही है, अब जो तुझे बाकी जिंदगी बची है इसके साथ तुझे बितानी। गौ माता को उस दिन मैंने पल्लू पकड़ लिया, जीऊँगा तो इसके लिए, मरूंगा उसके लिए। बस एक प्रण ले लिया है कि मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी सामने होने दूंगा, मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी सामने होने दूंगा, मेरे भारत के संतों को मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने दूंगा। ओम खड़ा खड़ा प्राण तज देगा, लेकिन अब मेरी गौ माता को बदनाम नहीं होने दूंगा। आदमी ब्याह शादी में गणा ही नाचे, कोई लेना कोई देना, कैसा गंदा गंदा गाना लगावे, टकना खोल दे, गंडकड़ो खा जा, बिट्टू जेल करा देगी, कितने गंदे गाने लगाते हैं, फिर पूरे घरवाले नाचते हैं, सास ससुरा देवर जेठ जेठानी कुत्ता नाचे, रिबा फेंक रिया पग में जा रही है पैसा पूरा, लक्ष्मी को अपमान कर दिया, सुबह बेटो पंडित जा रही हो, 15 लाख खर्चो लगाए, 15 लाख लगाया सुबह है फोटो। धन्यवाद, फोटो तो लिया, लेकिन ओम बिगड़ना बनना पड़ेगा आपको, बनोगे पगड़? सप्ते में एक बार गौशाला जाना, क्या करोगे? क्या बात है, बाबू जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार है आपके माता पिता के दिए हुए, कि बड़े लोगों ने लिखा है कि जिन खेतों में बरसात नहीं होती बाकी फसलें खराब हो जाती है, जिन खेतों में संस्कार, जिन घरों में संस्कार नहीं होते
वहां की नस्लें खराब हो जाती है, जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है। अपने बच्चों को संस्कार दें। धन्यवाद है आपके पेरेंट्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है जो गौ माता से प्रेम रखते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। यही तो संस्कार है साहब, आने वाले 10 सालों के बाद में पता चलेगा आपको। अभी ये गौ माता की जागरण है, 10 सालों के बाद में क्या मैं रहूं ना रहूं, दूसरे कोई जागरण दे या नहीं दे उनकी इच्छा है, लेकिन जो बोल रहा हूं ये यूट्यूब पर अमर रहेंगे। तो मैं हूं, एक रोटी का कर्ज उसको, आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि हकीकत में रोटी क्या, एक रोटी जो घर में बचती है उसका कर्ज कितना बड़ा होता है। 3.5 घंटों की फिल्म है और बहुत दुनिया देख के उस फिल्म को मैंने बनाई है, और बनाते बनाते अभी 2 साल हो गए, अभी पूरी नहीं हुई है। इसे एक एक शब्द उसमें जोड़ के डालें ताकि आने वाले मेरे छोटे छोटे भाई, मेरी छोटी छोटी बहनें, ओम डिगना रहे ना रहे, जो बोल रहा हूँ उनके शब्द वो घर घर में अमर हो जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है।
जी अब ले तो तीजोरे